हेलो प्रहलाद, कितने हेलो। बजे सो के उठी पहले बता। छः क्यों, आज से तेरा पेपर चालू है ना? तो आप उठाए नहीं 5 बजे अरे तो तेरे खुद उठना चाहिए ना, हम तो थोड़ी मेरा ना। नींद कहाँ खुला? हाँ मेरा नींद थोड़ा खुला। आप लोग बोले कि मम्मी और आप उठाओगे, वैसे आप सो रहे थे। मैं तो उठा था बेटा, आधी रात को उठा था, लेकिन जो है वो फिर सो गया मैं। मैं भी वैसे 2 बजे उठी थी, तो 2 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर देती। 2 बजे से उठ के पढ़ना शुरू कर देती क्या? चलिए, आज जो है वो परख का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो बड़ी टेंस लग रही। कल से बहुत ज्यादा टेंस है क्या पलक? क्यों टेंस्ड फील कर रही है? तो तैयारी नहीं हुआ है तेरा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं बोलना है बेटा, तैयारी हो गया है बोलना है, कॉन्फिडेंस रखना है ना। ठीक है, देखिए एग्जाम के टाइम में जो है वो बच्चे लोग कितना टेंस्ड रहते हैं। कल से जो है वो पलक बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, लेकिन और 8 बजे ये स्कूल के लिए निकल जाती है, और अभी मैं भी सो के उठा हूँ। रात में काफी देर तक जो है वो मैं मेरा नींद खुल गया था तो मैं सो नहीं पा रहा था। अभी सो के उठा हूँ, सब लोग सो के उठ गए हैं, लेकिन पूरा कंबल वगैरह देखिए ऐसी पड़ा हुआ है घर में, और मैं तो अपने आप को अभी दिखा भी नहीं पाऊंगा। ये देखिए पलक नाश्ता कर रही है। अच्छे से खा ले बेटा, खा रही है? क्या खा रही है? पलक का बैग भी तैयार हो गया। बेस्ट ऑफ लक पलक, कहाँ है रुमाल? धन्यवाद। बाय बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अरे एक बार तो मुड़ के देख। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, बच्चे लोग जो है वो पढ़ाई के समय कितना टेंस्ड रहते हैं, और ऐसे समय में जो है वो हम लोग भी कई बार क्या करते हैं कि उनको एकदम ज़्यादा नंबर लाने के लिए, या अच्छे से पढ़ी कि नहीं, याद की है कि नहीं, ऐसे करके जो है वो एक रात पहले से ही जो है उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो जो है वो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, और जो है वो जितना भी पढ़े एकदम से कभी जो है वो उनको कि तुमको टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, मार्क्स से ही जो है वो सब कुछ नहीं होता है। तो जो है वो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि जो है हाँ जितना भी नंबर आएगा उनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस डालना चाहिए कि बेटा जितना तू पढ़ी है दैट इज इनफ। और वही जो मैं बोला कि मार्क्स से ही जो है वो सब कुछ नहीं होता है, यदि वो कुछ सीख रहे हैं तो वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है वो जो मैंने व्लॉग शूट किया पलक के ऊपर, तो वो उसका उद्देश्य यही था कि बच्चे लोग तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, तो जो है वो बिल्कुल भी उनको प्रेशराइज्ड नहीं होना चाहिए। जितनी भी उनकी तैयारी है उसको जो है वो उनको सोचना चाहिए कि दैट इज इनफ फॉर मी। तो जो है वो आज के ब्लॉग में जो है वो इतना ही।
और देखता हूँ मैं, यदि पलक वापस आएगी तो जो है मैं उसका वापसी का भी वीडियो जो है वो शूट करके डालूंगा। अदरवाइज जो है वो इतना ही आज के वीडियो में। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को आप सब लोग जो है वो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि इसी प्रकार से नया वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।